भैया सीन ये है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई, खैरियत से हैं? तबीयत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं आप तैयार हैं? चलें भाई। रेडी रेडी गो। भैया सीन ऐसा है कि लाइसेंस बनवाने के लिए अच्छा ज़रूरत है 3 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की। तो रात में अर्जेंट प्लान बना, तो इस वक्त सदर में मौजूद हैं और यहाँ से कुछ शॉप से रेट लिए हैं। तो ये एक शॉप है क्लासिक टाइम स्टूडियो के नाम से ना, इनके पास पहुँचे, इनसे ये के रेट लेते हैं और तस्वीर बनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र आपको। भैया पासपोर्ट साइज पिक्चर बनवा रहे हैं। बन जाएगी, 12 बनेगी आपकी। तौर पर कम कर दो आप, 80-80 रुपये देते हैं बस। कैमरा तो है ना आपके पास? हाँ कैमरा है बस। फिर ठीक है भैया, आपने देखा कि इनके जो है ना काफ़ी लीज रेट आए हैं, तो फैसला ये हुआ है कि अब तस्वीर हम इनसे बनवाएंगे। भैया सीन ऐसा है कि ये अंदर आके ये एक मस्जिद है, अल्लाह वाली मस्जिद के नाम से। इसके बिल्कुल लेफ्ट में जो है फिशरीज़ का ऑफिस है। सामने आपको एक रेड छप्पड़ वाला पुरसाने हाल जिसका कोई नहीं है, और ग्रीन कलर का एक सरकारी बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा। यही असल ये है फिशरीज डिपार्टमेंट का दफ्तर, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। पता नहीं बेचारे कैसे यार यहाँ पे काम कर रहे हैं, इतनी कसम भरी। में देखे ना औरंगजेब, सही बात है, छत भी गिर गई, छत गिर गई है, दरवाजे निकल गए हैं, प्लास्टर उखड़ा। बल्कि ये तो मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तान बनने से पहले की बिल्डिंग मुझे लगती है, जिसमें चूने का प्लास्टर था, पत्थरों की बनी है। भैया सीन ऐसा है कि लाइसेंस की फ़ीस जो थी वो तो भर दी है बैंक में, चालान हमें मिल गए, और इसको वापस अब सबमिट करने के लिए फिशरीज के ऑफिस जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे वो हमको कितना टाइम फ्रेम देते हैं और लाइसेंस कब मिलता है। बाकी की हमारी सारी फौज पीछे आ रही है। नादिर भाई, फिशिंग लाइसेंस के एप्लीकेशन फॉर्म को थोड़ा सा डिस्क्राइब तो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम फिशरीज डिपार्टमेंट में पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट, बैरिक नंबर 45। ये फॉर्म है एंगलिंग, स्पोर्ट्स एंगलिंग का लाइसेंस फॉर्म है ये। इसको फिल करना होता है, सिंपल है। इसके अंदर आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका शनाख्ती कार्ड, 3 अदद तस्वीरें चाहिए आपकी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड चाहिए और शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो, कहाँ कहाँ जाना है इसके अंदर वो तमाम पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कौन कौन सी स्पाइसेस आप जो है आप वहाँ पर कैच करेंगे वो इसमें लिखा हुआ है। सिंपल कुछ नहीं है। यहाँ पर जब आप फिशरीज डिपार्टमेंट आएंगे तो यहाँ शुएब साहब एक हैं जो तमाम इस प्रोसीजर को देख रहे हैं, डायरेक्टर असलम साहब को असिस्ट करते हैं, तो वो यहाँ पर आके आपका फॉर्म वो खुद फिल करेंगे। फर्स्ट फॉर्म आपने खुद फिल करना है, उसके बाद तमाम जो प्रोसीजर है वो खुद फिल करेंगे, कंप्यूटराइज तरीके से वो अपने पास निकाल के प्रिंट देंगे, और आपको फिर बैंक में जाके अपना चालान, नेशनल बैंक की जो मखसूस ब्रांच है वहाँ पर जाके ये फॉर्म जमा कराना है। चालान जमा करा के फिर आप यहाँ पर लाके इनको रिसीव करा देंगे। तो जैसे एज सून एज पॉसिबल 4 दिन 6 दिन जैसे यहाँ पर मौजूद होता है, वो आपको कम से कम टाइम के अंदर ये फॉर्म आपका अटैच करके ओके करके आपको दे देंगे। अगर आप खुद आ रहे हैं
तो अपने साथ ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेकर आइए ताकि आपको जो इनका प्रोसीजर है उसके प्रोसीजर में आपको ये आसानी और वो फॉर्म आपको मुकम्मल करके भेज दें आपके हाथ। शुक्रिया। भाई ये है फिशिंग लाइसेंस का फॉर्म जो यहाँ से ऑफिस से अवेलेबल है, इसको आप फिल करके इनको देंगे तो आपको कुछ इस तरीके का जो है चालान दिया जाएगा बैंक में जमा कराने के लिए। अब इसके अंदर ऑप्शन ये है कि आप जितने चाहें पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, उन सब की फ़ीस जो है सेपरेट है, जो कि सब टोटल हो जाएगी, जो कि यहाँ फॉर्म के अंदर मेंशन भी हैं, जैसे कि मुबारक विलेज है, अब्दुल रहमान रोड है, किमाड़ी, केटी बंदर, रेडी रोड एक्स्ट्रा। तो ये चीज़ें जितनी आप मेंशन करेंगे उतनी चीज़ें यहाँ पर फ़ीस के साथ यहाँ मेंशन हो जाएंगी। उसके बाद फ़ीस जमा कराने के बाद आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से कम्प्लीट होगा, जिसमें NIC की कॉपी, 3 तस्वीरें, आपका फॉर्म और नीचे ये बैंक का जमा हुआ हुआ चालान, ये लाके आप इनको देंगे। उसके बाद आपको एक अदद रिसीविंग मिलेगी जिसके ऊपर आपका सारा डाटा अवेलेबल होगा कि आपको कौन सी चीज़ कब आपने दी थी और कब मिलेगी। ये सीन आपने देखा, दोपहर में सारी आपको डिटेल दिखाई, प्रोसीजर कितना आसान है, स्टाफ कितना कोऑपरेटिव है, और अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ कि आज दोपहर में भाई हम सबको जो भी प्रोसीजर था पूरा हो गया, लाइसेंस हमारे सबके हमको बन के मिल चुके हैं एक ही दिन के अंदर। तो इसका सबसे आसान तरीका है, किसी से पूछने की कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद आएँ, अपना शनाख्ती कार्ड, एक फ़ोटोकॉपी, 3 तस्वीरें साथ लेकर आएँ, फॉर्म लें, जमा करें, भरें, फीस भरें, आएँ, इनको दें, या आपको लाइसेंस बना के दे देंगे। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत इजी है। और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए।